तो गुरु लोग बॉलीवुड की क्वीन वापस आ चुकी है रियलिटी शो में, क्योंकि आ रहा है लोकअप। आप लोग को पता है कि इसके आप लोगों ने टीजर और ट्रेलर जरूर देखे होंगे, क्योंकि मैंने दो बार वीडियो बनाया था लेकिन फिर से मेरी गलती की वजह से वो डिलीट हो गया और तीसरी बार मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो लोकअप जो आने वाला है वो एक अलग ही शो होगा, क्योंकि इसमें आप लोग को 16 कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे और उसकी अगर बात करें तो सारे जो वही आप लोग को देखने को मिलेंगे जो मार्केटों में छाए हुए होते हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो हर जगह पर अपना मुंह अड़ाए हुए होते हैं। लेकिन बात ये करें कि आखिर ये होंगे कौन, तो आप लोग एक बात जान लीजिए, ये को बड़े सुपरस्टार नहीं होंगे, जो काफ़ी सारे पॉपुलर रहते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि अपनी बेइज्जती तो करवाने आएंगे नहीं। लेकिन ये वो होंगे जो ड्रामे में काम करते हैं, टीवी टेलीविज़न में काम करते हैं, वो आप लोग को मिडल यानी एक आप लोग को टेलीविज़न तक जो उसकी हद होगी वही आप लोग को देखने को मिलेंगे। शायद आप लोग को कोई मूवी वाले एक स्टार कोई एक तो हो शायद, लेकिन अपडेट मैंने जहाँ जहाँ ढूंढी, जहाँ जहाँ मैंने अपडेट मैं पाई, हमें वही मिली कि ये एक बड़े स्टार आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि जहाँ क्वीन हो यानी कंगना रनावत हो, वहाँ तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल ही जलवा होगा, क्योंकि ये तो आप लोग को पता है कि जहाँ जहाँ कंगना रनावत होती है वहाँ सबके पोल तो खुलते ही खुलते हैं। आप लोगों ने काफ़ी बार कंगना रनावत के मुँह से नेपोटिज़म, करण जौहर, ऋतिक रोशन और भी कई ऐसे नाम सुने हैं जिन्हों को बदनाम करने की काफ़ी कोशिश की गई है, और इस एक्ट्रेस में काफ़ी दम है बॉस, जो हर किसी को मुंह में बोलती है। और जो लोकअप जो ये जो शो होने वाला है ये तो बिग बॉस से काफ़ी लाख गुना अच्छा होगा, क्योंकि हाल फिलहाल तो बिग बॉस काफ़ी ढीला चल रहा है, क्योंकि सीज़न जो 13 था वो माइंड ब्लोइंग था, उसके बाद तो घटिया ही सीज़न आ रहे हैं, कुछ काम का ही नहीं। लेकिन फाइनली टेलीविज़न में कुछ ऐसा अच्छा आ रहा है शो, जो आप लोग एक रोमांचक पैदा कर रहा है कि आखिर यार कौन होगा, कैसा होगा शो का कॉन्सेप्ट, क्या होगा, कैसे जेल में लोग अपने सबूत कर पाएंगे, अपने सवालों का जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उसको क्या सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारा आप लोग को 27 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हुई ही हूँ, और साथ ही साथ कंगना रनावत की जो वॉक है, ओह माय गॉड यार, दिल पे लग गई, कितनी माइंड ब्लोइंग क्यूट लग रही है। तो बस शो का इंतज़ार करें, एपिसोड का इंतज़ार करें, रिव्यू करेंगे शो के सारे एपिसोडों का, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग कितने एक्साइटेड हो शो के बारे में, और कंगना रनावत के आप लोग फैन हो कि नहीं हो हमें कमेंट बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोग लाते रहेंगे सबसे पहले अपडेट।